नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इस समय मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले, शो शुरू करने से पहले आप इन दो बयानों को सुनिए। कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के आज दिल से संकल्प ले लो, कार्यक्रम का बैन हो जाए। भारत माता की जय बोल के कमलनाथ और कांग्रेस को गाड़ रहा है, राजनीतिक रूप से इसको समाप्त करना है, इसका अंत करना है। बोले भारत माता की जय। देखिए, ये शिवराज सिंह जी किसको गाड़ेंगे, किसका अंत करेंगे, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। पर मैं गाड़ूंगा, मैं अंत करूंगा महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। इन चीजों को मैं गाड़ूंगा। हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है। अभी मैं नरसिंहपुर से आज आया हूँ। नरसिंहपुर में किसान परेशान है, उनको अपने गन्ने के लिए बीज नहीं मिल रहा, सही बीज नहीं मिल रहा, उनको कीमत नहीं मिल रही, मूल्य नहीं मिल रहे। हर किसान परेशान है, खाद के लिए, बीज के लिए। ये पूरे प्रदेश में हाल है। पूरे मालवा निमाड़ में लहसुन 1 रुपए 1.5 रुपए में बिका, प्याज लो, टमाटर लो, ऐसी कौन सी चीज है जो, और कौन सा वर्ग है जहां लोग परेशान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में अजेयगढ़ कहलाने वाला छिंदवाड़ा इस समय काफी चर्चाओं में है। 25 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 तारीख को छिंदवाड़ा आएंगे और यहां पर आम सभा करेंगे। इसको लेकर की भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, साथ ही उन्होंने बयान भी दिया था जो आपने सबसे शुरुआत में सुना। इस सारे विषय पर हमसे और अंदर की गहराई पर चर्चा करने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री शिव कुमार विवेक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, 1952 से लेकर 2023 आ गया है, इतने में सर सिर्फ छिंदवाड़ा में एक बार कांग्रेस पार्टी हारी थी। आगे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस पाए? देखिए, हमें दोनों संदर्भों को अलग अलग देखना होगा। जो आप कह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस हारी थी, वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव देखें, जो जिसके संदर्भ में हम बात भी कर रहे हैं, अभी अमित शाह जी आ रहे हैं और तात्कालिक तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, शिवराज सिंह जी वहां पहुंचे हैं, तो विधानसभा चुनाव में मिक्स रिजल्ट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चुनावों में बराबर की टक्कर दी है और हम देखते हैं कि अगर 3 सीटें कांग्रेस की हैं तो 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 1 चुनाव में 4 अगर कांग्रेस ने जीती तो 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इस तरह से विधानसभा में वो कांग्रेस का उस तरह का गढ़ नहीं है जैसा लोकसभा में गढ़ है, एक बात। दूसरी बात है कि जहां तक आने वाले चुनाव में तैयारी का प्रश्न है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े समग्रता में चुनाव लड़ती है। हम केवल छिंदवाड़ा की बात नहीं देखें, हर इलाके में उसका फोकस रहता है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि वो लोकसभा चुनाव भी उसी तरह से लड़ती है जैसे विधानसभा चुनाव लड़ती है, इसलिए उसके लिए छिंदवाड़ा में भी वैसा ही फोकस है जैसा पिछले दिनों अमित शाह विंध्य में आए थे वहां फोकस है, या हम देखें तो मालवा निमाड़ में जैसा फोकस है वैसा ही उसका छिंदवाड़ा में। हाँ, छिंदवाड़ा की 8 में से 8 सीट पिछली बार कांग्रेस के खाते में विधानसभा की सीटें गई थी, इसलिए छिंदवाड़ा एक खास चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन वो कोई ऐसा अवैध गढ़ मुझे लगता है विधानसभा की दृष्टि से नहीं है। नहीं, चूंकि सर देखिए, 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती है, जो शुरू से जाती है, छिंदवाड़ा है। जैसा कि आपने बताया कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंदर जितनी भी विधानसभा है वो 2018 में कांग्रेस पार्टी के पाले में गई थी, तो इस बार सारा का सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा लोकसभा पे है। बात यहां निकलती है क्योंकि अमित शाह यहां आ रहे हैं और चूंकि जनजातीय बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी रूप से आप जो बात कह रहे हैं उसको अगर मैं अपने दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कि हर जगह उसने चुनाव की तैयारियां की हैं, अपनी जो रणनीति है उसकी स्पष्ट है और ये भी हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस से बहुत आगे इस मामले में है, तो केवल कमलनाथ के व्यक्तित्व के आधार पर कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी, थोड़ा सा इस बारे में हमें सोचना चाहिए।
क्योंकि अब समय बदल गया है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से निचले वर्गों तक अपनी पहुंच और पैठ बनाई है, हम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें। अब मैं इससे हटकर एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग व्यक्तित्वों के इर्द गिर्द घूमते हैं चुनावों में, और निश्चित बात है कि कमलनाथ के व्यक्तित्व के आधार पर ही छिंदवाड़ा में उनका निर्वाचन होता रहा है। लेकिन हम देखें तो पिछली बार विंध्य में भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया था, और जहां के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले राहुल सिंह वहां खेत रहे थे पिछले चुनावों में। तो इसलिए बहुत ऐसा बड़ी कठिन बात नहीं है, और अगर पिछली बार राहुल सिंह को विंध्य में भारतीय जनता पार्टी ने परास्त किया था, तो इस बार कमलनाथ को अगर टारगेट करती है तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और जैसी आपने लोकसभा की बात कही कि लोकसभा में सुंदरलाल पटवा ने छिंदवाड़ा में सारे गढ़ को भेद दिया था, तो कोई कठिन काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का फोकस स्वाभाविक है, क्योंकि जनजाति बहुल चुनाव क्षेत्र है, कमलनाथ का चुनाव क्षेत्र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस करना उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और धर्म देखें कि वो समग्रता में चुनाव की रणनीति बनाती है, इसलिए विधानसभा के साथ निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी उसकी नजर है। और लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने जिस तरह से 44 साल का वो कहते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में उनका राजनीतिक जीवन है, तो वो छिंदवाड़ा में एक छत्र राज्य की तरह उनका लोकसभा में वर्चस्व रहा है, तो ये चुनौती उसके सामने है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विधानसभा में जिस तरह से उसने विधानसभा सीटों को कब्जाया है या विधानसभा सीटों पर अपना परचम फहराया है, उसकी दृष्टि से उसको ये एक व्यक्तित्व को भेदना है, विधानसभा सीट को भेदने की बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और जहां तक कमलनाथ की बात है, अगर आप पिछले चुनावों के आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार वहां कांग्रेस कमजोर हुई है और भारतीय जनता पार्टी की पैठ निरंतर बढ़ी है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वहां विशेष रूप से फोकस करना होगा, अगर हम कमलनाथ के व्यक्तित्व से हटकर भी सोचें तो देखिए वो ऐसा जिला है जहां लगभग 33-34% आदिवासी है, जनजाति है, और भारतीय जनता पार्टी का फोकस इन दिनों इस समय जनजातीय विकास और जनजातियों के कल्याण के ऊपर केंद्रित है। तो जिस जिले में 35% आदिवासी हो, जनजाति हो, उस जिले को तो जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ नहीं सकती, वो उसके लक्ष्य भेद पर, उसके निशाने पर होगा। और यही एक बड़ा खतरा है कमलनाथ के लिए जो आने वाले चुनाव में उनको चुनौती की तरह दिख रहा है। फोकस किया था और जहां के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले राहुल सिंह वहां खेत रहे थे पिछले चुनाव में, तो इसलिए बहुत ऐसा बड़ी कठिन बात नहीं है। और अगर पिछली बार राहुल सिंह को विंध्य में भारतीय जनता पार्टी ने परास्त किया था, तो इस बार कमलनाथ को अगर टारगेट करती है तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और जैसी आपने लोकसभा की बात कही कि लोकसभा में सुंदरलाल पटवा ने छिंदवाड़ा में सारे गढ़ को भेद दिया था, तो कोई कठिन काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का फोकस स्वाभाविक है, क्योंकि जनजाति बहुल चुनाव क्षेत्र है, कमलनाथ का चुनाव क्षेत्र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस करना उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है और जरूरी हिस्सा है। देखिए, तो ये साफ स्पष्ट रूप से वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि जिस प्रकार से कमलनाथ का वो गढ़ है, उनका गढ़ भेदना कोई भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी कुछ विधानसभा सीट रही थी, कुछ कांग्रेस पार्टी के पाले में रही थी, और भारतीय जनता पार्टी इस समय जनजातीय बेल्ट, आदिवासी बेल्ट पर खासा काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से विंध्य में पिछली बार विंध्य का जो कहा जाए कि विंध्य को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिया गया था, वो इस बार हम महाकौशल या फिर छिंदवाड़ा में भी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।